जल्द ही कोचिंग स्कूल कॉलेज सब कुछ खुलने वाला है, क्लियर है। तो अब केंद्र सरकार ने इसकी पूरी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी है, और ये हम नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, कई सारे मीडिया ग्रुप में अब ये जानकारी आने लगी। चलिए तो शुरू करते हैं, किस तरह से खुलेंगे आपके स्कूल कॉलेज उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम स्कूल पर चर्चा कर रहे हैं, क्लियर है, कि स्कूल किस तरह से खुलेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए हर क्लास, अब देखो बहुत सारा चेंजेस होगा, जैसे आप कभी स्कूल गए हो तो उस तरह से आपके छोटे भाई बहन नहीं जाएंगे, या जो बच्चे इस बार स्कूल जाएंगे वो जरूर ध्यान से सुनना, आपकी हर एक क्लास का टाइम अलग अलग होगा, क्लियर है। केंद्र सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि आप पूरे स्कूल को एक साथ नहीं बुलाएंगे। पहले क्या होता था, 10 बजे स्कूल है, सारे बच्चे 10 बजे इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब क्या होगा, हर एक क्लास का समय अलग अलग होगा, क्लियर है। क्योंकि जो बैठने में सिटिंग अरेंजमेंट होगा उसमें कम से कम 6 फीट की दूरी, मैनेज करना है। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये समझ दो कि हर एक क्लास का समय अलग अलग होगा, और कम से कम इस क्लास के समय के आने में 10 मिनट से कम ज्यादा होगा, मतलब स्कूल जो है कम से कम 15 से आधा घंटा के आसपास वो अलग अलग समय रखेंगे, ताकि एक साथ भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। इसके अलावा बच्चों को ऑड इवन फॉर्मूला में बुलाया जाएगा, मतलब नंबर दे दिया जाएगा 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 5, तो जो सम वाले होंगे इवन नंबर उनको एक दिन बुलाया जाएगा, अगले दिन ऑड को बुलाया जाएगा, क्लियर है। भले ही आपका स्कूल अब तक एक ही शिफ्ट में लगता हो, शिफ्ट मतलब जैसे 10 से 4 लगता हो, लेकिन अब गारंटेड है कि कुछ बच्चे सुबह आएंगे और कुछ बच्चे दोपहर के टाइम आएंगे, और हो सकता है कुछ एक स्कूल इसमें भी 3 शिफ्ट करने की हो सकता है, कोशिश करें, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम बुलाना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो अगली बात है जो डिस्टेंस है वो 6 फीट की रखना है। तो 6 फीट के कारण अब तय हो गया है कि आपको कितना भी बड़ा हॉल हो 30 से ज्यादा स्टूडेंट अब नहीं पढ़ पाएंगे। इसके अलावा अगर छोटा रूम है तो 10-10, 15-15 बच्चे भी बैठे आप देख सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा अब जो स्कूल खुलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक साथ नहीं खुलेंगे, इसलिए स्कूल खुल गए चलो भाई, सरकार ने कहा है कि हम सितंबर से लेकर नवंबर तक स्कूल खोलेंगे, सितंबर से स्टार्ट होगा और नवंबर तक स्कूल खोलेंगे। तो सितंबर में जो खुलेंगे शुरुआत में सबसे पहले खुलेंगे 11वीं 12वीं। अब जरा समझना, कोचिंग और कॉलेज ये इसी के साथ खुल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अधिकांश कोचिंग जो है खासतौर से कॉम्पिटिशन की या कॉलेज वो 11वीं 12वीं से ज्यादा होते हैं, तो सबसे पहले खुलेंगे 11वीं 12वीं, ठीक है, डिसऑर्डर में खुलेंगे। इसके कुछ एक दिन बाद खोलेंगे 9वीं 10वीं की क्लास, क्लियर है। इसके कुछ एक दिन बाद खुलेगी 6वीं से लेके 8वीं तक की क्लास, लेकिन 5वीं तक, मतलब शुरू से लेके 5वीं तक, नर्सरी से 5वीं तक के अभी तक सरकार इस पर काम नहीं कर पाई है। मतलब सरकार ने यह कह दिया है कि अगर वैक्सीन नहीं बनी तो नवंबर तक तो हम 5वीं की क्लास है नहीं खोलेंगे। हाँ, अगर वैक्सीन आ गई जिसकी संभावना ज्यादा है तो फिर हो सकता है कि 5वीं क्लास भी आपकी खुल जाए और आप इसमें स्कूल में पढ़ सकें। सिलेबस पर इस बार बहुत ज्यादा प्रभावित पड़ेगा, सिलेबस जो 100% आप देखते थे वो पूरा का पूरा सिलेबस नहीं होगा, या आप जो पढ़ते थे ना पूरा वार्षिक परीक्षा हो रही है, परीक्षाओं की तो कमी होगी, जैसे थर्ड मंथली, सिक्स मंथली और फाइनल ईयर का होता था, मतलब तिमाही छमाही और वार्षिक परीक्षा होती थी, उसमें हो सकता है कि आपको सीधा इस बार वार्षिक देना पड़े, क्लियर है, क्योंकि नई शिक्षा नीति नहीं आई है, नई शिक्षा नीति में बहुत सारे चेंजेस हैं, आप देख रहे होंगे मैंने पढ़ाई हुई थी, क्लियर है। अगर आपने नहीं देखी हो नई शिक्षा नीति तो आपको स्क्रीन पर देखना होगा, ये वाली आप देख लेना, हम जहां पर मिले ये नई शिक्षा नीति देख लो, बहुत सारा चेंजेस वहां पर भी है, क्लियर है। चलो खैर उस पर बाद में बात करते हैं। तो सिलेबस जो है वो 50% हो जाएगा, पूरे सिलेबस में से परीक्षा नहीं देना होगी। इसके अलावा स्टाफ जो है, जो आपके टीचर्स हैं, वो केवल 33%, मतलब एक तिहाई टीचर आएंगे, मतलब 100 में से 30 टीचरों को बुलाया जाएगा या 33 टीचरों को बुलाया जाएगा, क्लियर है, पूरे टीचरों को नहीं बुलाया जाएगा ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य यही है कि आप जो स्कूल है डेली जाएं और भीड़ भाड़ ना हो। इसके अलावा
आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप शिक्षा नीति जरूर देख लो, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला बना है वो कुछ फॉर्मूला बना है इस तरह से, जिसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, 5-3-3+4 इस तरह का एक फॉर्मूला है, इसको जरूर समझना ताकि आपको पता चल जाए कि 2022 के बाद, क्योंकि अभी तो नहीं आ रही नई शिक्षा नीति, 2022 के बाद किस तरह से एजुकेशन स्टार्ट होगी। क्लियर है? अब बात करने पर ध्यान दीजिए, ये मैंने ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अब ये बता रही हैं किस राज्य में कब कब खुलेगा, तो एक बार रीड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में अगस्त से स्कूल खोलने, स्कूल कॉलेज खोलने की संभावना, लेकिन दिल्ली ने डेट अनाउंस नहीं की है। बात करें हरियाणा सरकार की, तो 15 अगस्त से हरियाणा सरकार अपने स्कूल कॉलेज खोल जाएगी। आंध्र प्रदेश 5 सितंबर से, कर्नाटका 1 सितंबर, अब राजस्थान ने अगेन सितंबर में खोलने की बात कही लेकिन डेट डिसाइड नहीं की है। केरला ने 3 अगस्त से, असम 1 सितंबर से, बिहार 15 अगस्त से और लद्दाख 31 अगस्त से। अब इस लिस्ट में जो भी राज्य शामिल नहीं है, क्लियर है, तो उन राज्यों ने अपनी डेट डिसाइड नहीं की है, जैसे मध्य प्रदेश, क्लियर है, तो मध्य प्रदेश ने अभी तक नहीं बताया है कि हम किस तरह से स्कूल कॉलेजेस किस डेट को खोलने वाले हैं, क्लियर है। हालांकि जो भी राज्य हैं वो बहुत जल्द फैसला लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश या जो राज्यों में कोरोना फैला है तो उनमें हम ये भी देख सकते हैं कि उनमें जिले वाइज स्कूल खोलेंगे, मतलब पूरा राज्य में स्कूल कॉलेज नहीं खोलेंगे। जिन राज्यों में कोरोना की स्थिति ठीक है या सर बिल्कुल भी नहीं है पॉजिटिव मरीज, तो वहां पर तुरंत ही स्कूल खोले जाएंगे, और जहां पर ज्यादा ये है वहां पर कुछ समय बाद स्कूल खोले जाएंगे। अब बात करते हैं कोचिंग की, तो कोचिंग कैसे खोलने वाले, तो सबसे पहले बात, कोचिंग में भीड़ नहीं रहेगी, जिस भीड़ में आप पढ़ते थे वो नहीं रहेगी, क्लियर है। लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा भी किस तरह से कोचिंग में आपको बैठने मिलेगा, ठीक है, उसका डेमो मैं दिखाऊंगा। ओके, खैर, हर कोचिंग में सुपर 30 और सुपर 50 के नाम से बैचेस चलेंगे, क्लियर है, हर, क्योंकि हर एक कोचिंग की एक लिमिटेशन होगी कि हम इतने ही बच्चे बुला सकते हैं, क्लियर है, तो ये भी रहेगा। इसके अलावा टीचर के जो लेक्चर हैं कोचिंग में वो भी कम हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कोचिंग में 1-1 घंटे के जो लेक्चर लगते हैं या 1.5 घंटे के, उस लेक्चर को कम किया जाएगा ताकि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तक रीच पहुंच पाए, क्लियर है। ओके, इसके अलावा जो भी सुपर 30 या सुपर 50 से छूट जाएंगे उनको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, क्लियर है, और हो सकता है ये भी हो सकता है कई कोचिंग संस्थान ये भी करें कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको इस यहीं पर कैमरा के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करें आगे। इसके अलावा आने वाले समय में कोचिंग की आईडी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना, मैं तो कह रहा हूँ कॉलेज स्कूल की भी आईडी आपको रखना होगी बैग में, क्योंकि अगर आप कहीं घूमते पाए गए तो आपको बताना होगा कि एटलीस्ट आप क्यों घूम रहे हैं इस समय, क्लियर है, तो आईडी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अब कोचिंग की। इसके अलावा लाइब्रेरी में भी संख्या सीमित कर जाएगी आएगी, है ना, सीमित मतलब इतने बैठ गए अब उसके आगे से लाइब्रेरी में परमिशन नहीं मिलेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हर समय लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर से जब चाहे कोई भी कहेगा सैनिटाइज करो तो आपको करना पड़ेगा, क्लियर है, तो बहुत एंजॉय भी होगा, इसको भी हम एंजॉय करेंगे, कई स्टूडेंट करते हैं। कॉलेज, अब कॉलेज कैसे तरह से खुलेंगे, तो कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में सबसे फेमस चीज होती है कैंटीन, जो भी गए हैं या जो जा रहे होंगे या जो जाने वाले होंगे उन सबको पता होगा या पता चल जाएगा, कैंटीन बंद रहेगी कॉलेज की, खास तौर से कॉलेज की कैंटीन नहीं खोलने वाली है, क्योंकि वहां पर स्ट्रिक्टली आप जानते हो काफी बढ़िया तरीके से मस्ती मजा होता है, इस कारण से कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा होती है, काफी ज्यादा भीड़ होती है, मैं तो कह रहा हूँ क्लासों से ज्यादा भीड़, कमेंट बॉक्स में करना अगर मैं सही कह रहा हूँ, क्लासों से ज्यादा भीड़ होती है कैंटीन में, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कैंपस जो होता है, जो कॉलेज का कैंपस होता है वो बैठने की सबसे अच्छी जगह होती है, काफी सारे लोग कोचिंग वो कॉलेज कैंपस में बैठते हैं, तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि कॉलेज कैंपस में आपका बैठना मना रहेगा, यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो आप कॉलेज कैंपस में नहीं बैठ सकते, क्लियर है। इसके अलावा जो हॉस्टल होंगे कॉलेजेस के वहां पर भी आप जरा देखोगे वहां पर भी रूल्स रेगुलेशन काफी ज्यादा होंगे, सीसीटीवी कैमरा में आप किसी के रूम में जा नहीं सकते, वो सारी चीजें उसकी मॉनिटरिंग होगी, तो ये सारे चेंजेस मिलने वाले, मतलब आपको अपने रूम में ही रहना है, क्लियर है, किसी भी रूम में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, ये भी रहेगा, और हो सकता है कि अब हॉस्टल की सुविधा
पर भी विचार करना होगा सरकार को। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आप अगर स्कूल कॉलेज खोल रहे हो तो हॉस्टल एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, तो हॉस्टल किस तरह से होगा, क्योंकि हॉस्टल के हॉस्टल आपको कंटेनमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में एक हॉस्टल में छात्र रहते हैं। इस बार छात्र राजनीति जो होगी वो पूरी बेस्ड ऑन सोशल मीडिया, क्लियर है। आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते हैं ना, इस तरह से आप हाथ जोड़कर दूर से ही कर सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी जो छात्र राजनीति है वो सारी चलेगी सोशल मीडिया पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, ये बहुत पहले ही अनाउंस हो गया था, और अभी हो सकता है हो भी जाए, अगर नहीं हुआ होगा तो छात्र संघ चुनाव तो इस बार होंगे नहीं। अब सरकारी स्कूल में अभी ऑनलाइन में पढ़ाई कराई जाएगी, वो भी हो सकती है, मतलब आप एक नया परिवर्तन ये देख सकते हो कि सरकारी स्कूल जो कभी ऑनलाइन की तरफ गए नहीं, वो भी आपको बड़े बड़े प्रोफेसर हो सकता है। आप सोचो कितना अच्छा होगा कि बड़े बड़े प्रोफेसर जो है वो ऑनलाइन कॉलेज के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की हर चीज, चाहे वो कोचिंग हो, स्कूल हो या कॉलेजेस हो, अब उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है या आपकी सुरक्षा के मानक हैं वो एडवर्टाइजमेंट में सबसे ऊपर दिखेंगे, क्लियर है। तो एडवर्टाइजमेंट जो होगा वो इस आधार पर होगा कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे, आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो अब मैं आपको एक अंदाजा लगवा दे रहा हूँ, जिस हॉल में हम बैठे हैं तो लगभग वो 900 स्क्वायर फुट है, और अगर और उसको कट कर दें तो 700-900 के बीच का वो हॉल है, और उसमें कितने स्टूडेंट देखेंगे तो उसको मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, उसमें किस तरह से स्टूडेंट देखेंगे, और आप खुद कल्पना कर लेना कि कितने इस तरह से आपको बैठेंगे। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने का, थोड़ा सा समय लग रहा है, ये देखिए अब जरा। अगर मैं बात करूँ इस हॉल की तो लगभग 700 के 900 स्क्वायर फुट ये है, और यहाँ पे देखिए कितनी डिस्टेंसिंग है। अगर आप इस तरह से बैठेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 15 से 20 बच्चे ही इस हॉल में बैठ पाएंगे, क्लियर है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा कि किस तरह से आप बैठेंगे, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं काफ़ी मिस कर रहे होंगे इस प्लेस को, है ना, कमेंट बॉक्स में इंतजार है सरकार के डिसीजन का, किस तरह से सरकार डिसीजन लेती है, कब डिसीजन लेती है, खासतौर से मध्य प्रदेश सरकार कब डिसीजन लेती है। तो बहुत ही बढ़िया हैप्पी न्यूज, बहुत ही बढ़िया हैप्पी न्यूज है, मैं कह रहा हूँ फैला दो, सबको बताओ, सबको पता चलना चाहिए कि किस तरह से कॉलेज, आपको सरप्राइज नहीं होना है, आप कहोगे घर से यार मैं छायांश जी सब्सक्राइब कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है किस तरह से क्या होने वाला है, ठीक है। तो गाइडलाइन निकले ना निकले, लेकिन आपको एक मूड तय तैयार हो जाए कि एटलीस्ट जब हम कॉलेज जाएंगे या कोचिंग जाएंगे या स्कूल जाएंगे तो वो किस तरह से जाएंगे, सबको बताओ, परिवार में सबको बताओ, फैला दो। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास, नमस्कार।